नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पारा शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतनमान नहीं दिए जाने के कारण राज्य के पारा शिक्षक काफी दुखी हैं। इसी को लेकर आक्रोशित 65,000 पारा शिक्षक 15 से 19 तारीख तक झारखंड के विधानसभा में घेराव करने का फैसला लिया है। इधर शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना ने एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अधिकांश मांग कर कार्रवाई करते हुए उन्हें विधानसभा घेराव की अनुमति नहीं दी है। पत्र में लिखा है कि बार बार धरना प्रदर्शन घेराव हड़ताल करने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। यदि यह धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें अनुपस्थिति माना जाएगा और नो वर्क नो पे की श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि हक की लड़ाई बिना डरे इस तुगलकी फरमान का विरोध करते हुए की जाएगी और 15 से 19 मार्च को झारखंड के तमाम पारा शिक्षक अपने स्थायीकरण व वेतनमान सहित वर्तमान की कई समस्याओं की पूर्ति हेतु विधानसभा घेराव करेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्य इकाई मुख्यमंत्री से मांग करती है कि आप अपना वायदा को पूरा करें, ना कि रघुवर दास की तानाशाही स्टाइल में दमनकारी रवैया अपनाएं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।